नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एलजी साहब, इंसाफ करो, बिजली के बिल माफ करो। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर कार्यकर्ता और यहाँ के सारे लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो बिजली के बिल जो है, जो लोगों को भारी भरकम बिल आ रहे हैं, उसी के चलते गरीब व्यक्ति जिसकी दो वक्त की जो रोटी कमाने के लिए इस समय परेशान है, वो इतने भारी भरकम बिजली के बिल कहां से देगा। और जिस तरह से बिजली गर्मी आते ही बिजली की कटौती की अलग से मार आम जनता पर पड़ती है, और उसी के चलते स्मार्ट मीटर के तहत लोगों को बिल काफी आ रहे हैं। कई लोगों की शिकायतें हैं कि वो बिल उतनी उनकी कंजप्शन नहीं होती बिजली की जितने उनको बिल आ जाते हैं। और इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं कि लाल रोड के यहाँ पर जो कि पीडीडी विभाग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और एलजी साहब को कहा जा रहा है कि गरीबों के बिल को माफ करो, माफ करो, माफ करो। जो दिहाड़ीदार है, जो ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो किस तरह से इतने भारी भरकम बिल का भुगतान करेंगे, जहाँ पर एक वक्त की रोटी भी लोगों को मुहैया नहीं। आज लोग पंखा चलाने से भी डर रहे हैं, आज लोग बिजली की लाइट जलाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पता भारी भरकम बिल आ जाएंगे। माफ करो गरीबों के बिल, माफ करो। चाहेंगे जिस तरह से गर्मी के आते ही लोग बिजली तो यूज करते हैं, पर लोगों का ये कहना हमारे भारी भरकम बिल आ रहे हैं, पहले से ज्यादा आ रहे हैं बिल, वो क्या कहते हैं? ये आज जो जहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा बिजली दफ्तर के बाहर ये धरना, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास तौर पर जो जहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी है, उनका जो रवैया जो गरीबों के लेकर है, बिजली के बिलों के लेकर, उसी के लिए आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से इस दफ्तर के कितने गरीब लोग, मजबूर, बुजुर्ग, बीमार, विधवा औरतें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेकर भी जहाँ पे दफ्तर में आती हैं, तो इनके उनके इतने बड़े बड़े बिल हैं पुराने लाखों में। पिछले जो जहाँ की सरकार थी, उन्होंने एक स्कीम भी लाई, अब लाखों के बिल हैं लोगों के, उसमें कुछ काट दिए और उन्होंने बोल दिया कि एक साल के अंदर 12 महीने में 12 किस्तों में वो पैसे जो है वो खत्म करने हैं। किसी की 20,000, किसी की 25,000 रुपया महीने की उसकी किस्त बनती है। एक दो किस्तें बेचारों ने कहीं दाएं बाएं रिश्तेदारों से उधार मांग के, किसी तरीके से, किसी ने बर्तन बेच के, किसी ने गहना बेच के, किसी तरीके से वो जहाँ पे किस्तें भरी, तो अगले महीने द्वारा वो काट देते हैं। अब जिसकी 5-7 हजार रुपया, 10 हजार रुपया महीने की जो इनकम होगी, वो अपने बच्चों का पेट पाले, अपने बीमार जो माँ बाप हैं उनकी कोई दवा का बंदोबस्त करे, या इनका बिल भरे। आज लाखों में उनका बिल पहुंच गया, जब उनका 2,000, 5,000, 10,000 बिल था। हम यही कहते हैं कि पुराना बिल है वो टोटल माफ कर दिया जाए। गरीब जनता वो बिल नहीं दे सकती, ना दे पाएगी। कम से कम आगे से उनका कि मंथली, महीने का, हर महीने बिल लीजिए, अगर वो नहीं देते तो वो काट दो। वो ना अगला दे पा रहे हैं, ना पिछला दे पा रहे हैं, उसी डिप्रेशन में कई लोग बीमार हो गए हैं। ये मेरे साथ साथी बैठे हुए हैं, इनका 5-7 लाख रुपए का मकान नहीं होगा, इनका 13 लाख रुपए बिल है, इनकी 5-7 हजार रुपया इनकी, ये इनकी इनकम नहीं होगी, बेचारे डिप्रेशन में, कई बार एक्सीडेंट हो गया इनका, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहाँ से बिल देंगे लोग। सर, विभाग ये भी कह रहा है कि अगर कंज्यूम किया बिजली आपने, इस्तेमाल की, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर सरकार बड़े बड़े जो मतलब व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लाखों करोड़ रुपया उनका माफ कर सकती है, तो क्या गरीब जनता का जो बिल है वो माफ नहीं कर सकती? अगर उन्होंने दिए भी हैं, वो सारे इंटरेस्ट में चले गए, कहाँ से लाएंगे पैसे? अब इसका मतलब है कि जो पैसा नहीं दे पाएगा उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसका बच्चा इस गर्मी में जिया नवे मीटर लगा देना है। हुन दिल्ली सरकार अगर अपने लोगों को फ्री यूनिट दे सकती है, तो साढ़े जे एंड के बिजली की पैदावार है, सानू क्यों नहीं मिली सकती फ्री?
अगर ये स्मार्ट मीटर ने जो पहले लगे थे अनपढ़ थोड़ी है स्मार्ट गए लोगों पैसे खर्ची लवाए है दोबारा एक एक खंबे पर 16-16 मीटर लगे इन्होंने लोड पा दे कई जगह पर मीटर सड़े भी है उस मीटर सड़ने की वजह कार कई चीजा साड़िया भी सड़ी सकदियां ने ठीक है हूँ जेडे पहले मीटर लगे थे अगर वो खराब ने हूँ यह ठीक इन कुछ समझ नहीं आ रही हर बारी कोई ना कोई मीटर चुकी ले आते हैं अगर तुम मीटर आते ना इन्नी गर्मी है उपर तुम बत्ती नहीं दया दो बत्ती उपरू पूरी प्रॉपरली है नहीं आ रही है कम से कम भी तुम इन्ना करो साढ़े जे एंड के च बिजली इन्नी पैदावार है कम से कम फ्री यूनिटा कुछ ना कुछ सानू भी दो आए भी इतने के लोगों ना रोने वाले तो साढ़े कने ना इंसाफी क्यों है जिया दिल्ली सरकार दे सकती है क्यों नहीं दे सकते सानू की नहीं मिल सकती है साफ तौर पर युवा का भी कहना है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये बिजली बनाने उत्पाद कर रहा है बिजली की फिर हमें बिजली क्यों खरीदनी जा रही है क्यों हमारी बिजली बाहर बेची जा रही है जिसके चलते आए दिन जम्मू की जनता को इसका भुगतान करना पड़ रहा है और साफ तौर पर इन्होंने कहा अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार फ्री यूनिट दे सकती तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दी जा रही और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पहले भी तो मीटर लेकर आया तो उसी भी स्मार्ट मीटर का नाम दिया था और आए दिन कोई ना कोई मीटर उठाकर ले आते जिसके चलते आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है तो इसी के चलते आज कांग्रेस के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पीडीडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया कि एलजी साहब जनता के बिल को माफ करो जो गरीब व्यक्ति सुबह जाता है कमाने के लिए शाम को रोटी कमाकर लाता है वो इतने भारी भरकम बिल कहां से लाएगा सबसे बड़ा सवाल ये अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।